आज हम लोग ये हमारे पास ये बिल्डिंग मशीन आया है, ये सेहियो ZX7 250 एम्पेयर का है। तो इसमें डिस्प्ले जिसे एम्पेयर मीटर एम्पेयर कम ज़्यादा करने के लिए होता है, वहाँ एमीटर एम्पेयर मीटर जिसे बोलते हैं, तो इसमें नहीं दिया है, सिर्फ एलईडी ही है। इसमें पावर लिखा है और ये हाइट लिखा हुआ है, हेट मतलब ओवर करंट हो जाएगा, तो ये ओसी जो लिखा रहता है तो उसमें हेट लिखा हुआ है। तो ये हुआ, और यहाँ पे मेड इन चाइना लिखा हुआ है। तो बोल रहे थे कि इसे बाहर से लाया हूँ, तो यहाँ पे जो है ये सऊदी से यहाँ पे लिखा हुआ है ये। तो यही इसमें जो है हाई वोल्टेज आ गया है, बोल रहे थे कि जनरेटर से जो है चला रहे थे तो स्पीड बढ़ाने से जो है प्रॉब्लम कर गया है। तो इसे जो है पहले एसी सप्लाई फ्रीज के थ्रू जो देंगे और उसके बाद में जो है इसमें देखेंगे कि दिक्कत क्या है। और ये इसका टॉप भी ये जिसे वैसे ही माइनस में है, तो यहाँ पे इस तरह से हम लगा के इसे चेक कर लेंगे। ये बाहर से लाए हुए हैं सऊदी से, और इसका ये यहाँ पे जो है सीरीज बल्ब जो है उतना ग्लो हो रहा है, ये इसमें से कुछ धुआं सा निकल रहा है। तो इसे जो है अब कैबिनेट खोल के जो है इसे देखेंगे, कैबिनेट ओपन करके चेक करेंगे कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो पेच इसका जो है ओपन कर ले रहे हैं, उसके बाद में कैबिनेट जो है हटाने के बाद देखते हैं इसमें दिक्कत क्या है। तो पेच इसका खोल दिए हैं और जो है कैबिनेट ओपन कर दिए हैं। तो अब ये यहाँ पे इसमें इतना सब जाला माला लगा हुआ है, ये डस्ट वगैरह इसमें है जो धूल गंदा काफ़ी है। तो सबसे पहले इसमें ये चेक करेंगे, इसको साफ भी करना पड़ेगा, पहले से वो चेक कर ले रहे हैं। फिलहाल इसे एक बार डिस्चार्ज करके चेक कर लेंगे कि जो भी वोल्टेज हो यहाँ पे कैपेसिटर पे वो डिस्चार्ज हो जाए बल्ब के थ्रू यहाँ पे। उसके बाद में जो है मल्टीमीटर से अब इसमें चेक करेंगे, इसलिए कि पावर इसमें सीरीज बल्ब ग्लो हो जा रहा है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो ये डायोड रेंज पे कर दिए हैं मल्टीमीटर, और सबसे पहले IGBT चेक करेंगे। इसमें 4 IGBT लगा हुआ है, और IGBT एक चेक किए तो ये भी ओके है, दूसरा ओके है, तीसरा ये भी ओके बता रहा है, यानी इसमें IGBT ये भी ओके है, यानी 4 IGBT ओके है। यहाँ पे लगा हुआ है 1 2 3 4 यहाँ पे, और इसमें यहाँ पे SMD इधर से तो नहीं लगा हुआ है, और इधर से लगा हुआ है, और इसमें एक अच्छी बात है कि यहाँ पे नंबर भी लिखा हुआ है, और उधर से लगा हुआ है कि अगर उधर से कुछ दिक्कत हो जाए, जल जाए प्रिंट वगैरह, तो इधर से भी लगा सकते हैं, ये डबल प्रिंट है। यहाँ पे SS14 डायबोर्ड लिखा हुआ है, R18 20R यानी 20 ओम रेजिस्टेंस, यहाँ पे 5R1 R19 पे इसमें कोड जो है कोड भी डाला हुआ और नंबर भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ये भी है, उसके बाद में इधर से देखते हैं तो इसमें कौन सा IGBT लगा हुआ है।
इसमें लगा हुआ है मैग्ना चिप कंपनी का है 40T65FDSC, ये लगा हुआ है। तो इसमें जैसे बहुत से लोग क्या करते हैं कि जैसे हमारे पास वेल्डिंग मशीन ये आई है, तो ये रिपेयर होने के लिए मिस्त्री साहब लाए हैं, तो इसमें निकाल के वो कोई दूसरा मिस्त्री बना रहा था उसके बाद में वो मेरे पास लाए हैं, इसमें निकाल के फेंक दिए। अब इसमें कौन सा IGBT लगेगा, तो इसमें आज ये भी बताएंगे। इसलिए कि ड्राइवर ट्रांसफार्मर से जैसे इसमें लगा हुआ है ये EEL 22 25 25 25, ये 25.25.25, और इसका पावर सप्लाई जो है SM हो गया, ये इसका ड्राइवर SM हो गया IGBT। ये लगा है EEL 22 98 21 22 13, इसे तो हर कोई जानता ही है। यहाँ पे LNK 626 लगता है। तो एक चीज़ और आज नोट कर लीजिए, यहाँ पे वही ट्रांसफार्मर सेम लगा हुआ है, ये बाईस पच्चीस पच्चीस पच्चीस, और इसमें लगा हुआ है टी ग्रुप का 40T65, तो इसमें यही लगाना है, दूसरा लगाएंगे तो नहीं चल पाएगा। इसमें ध्यान दीजिए ये चीज़, इससे भी आप जान सकते हैं कि इसमें कौन सा IGBT लगा हुआ था, जिसे कोई निकाल के फेंक दे या निकालने के बाद खुद कंफ्यूज हो जाएं, भूल जाएं, तो इससे देख के आप वहाँ पे लगा सकते हैं। तो जिसमें जो लगा, जिस ग्रुप का N का लगा हो तो N लगाइए और T लगा हो तो T लगाइए। तो इसमें 50T65 60T65 40T65 तो लगा हुआ है, इससे ऊपर आप लगा देंगे कोई दिक्कत नहीं चलेगा, 50 75T65 वो भी चलेगा, यानी जितना ही ऊपर आप लगाएंगे उतना ही एम्पीयर इसमें मजबूत हो जाएगा और अच्छा रहेगा, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें ये पावर सप्लाई है 98 21 22 13, ये इसमें LNK 626 लगता है यहाँ पे है। बाकी इसके ये दो ड्राइवर IC है, ये 35 25 है, और एक IC यहाँ पे लगा हुआ है, ये 358 है। इसलिए कि इसका कंट्रोल कार्ड इसी में है, इसी में PCB में माउंट है, और ये इसका CT कॉइल है, ये इसका इंडक्टर ट्रांसफार्मर में है। अब इसमें देखते हैं प्रॉब्लम क्या है, IGBT चेक कर लिए हैं, अब बचता है ब्रिज रेक्टिफायर और इसका डायोड, ये दोनों भी चेक कर ले रहे हैं। तो इसमें जो है चार डायोड इधर लगा हुआ है नीचे की साइड, तो इसको भी चेक कर ले रहे हैं यहाँ पे, और मल्टीमीटर डायोड रेंज पे है तो ये भी सही है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ओके है। अब बचता है इसका ब्रिज रेक्टिफायर, आउटपुट डायोड तो चेक कर लिए, तो यहाँ पे दो हो गया, तो यहाँ पे शॉर्टिंग आ रहा है, यानी एक दो तीन, एक ब्रिज में जो है चार डायोड होता है, तो एक सही बताया, दूसरा वाला सही बताया, और तीसरे पे जो है यहाँ पे आके ये नेगेटिव और पॉजिटिव पे जब रख रहे हैं तो ये 35 ओम्स बता रहा है, और इसी सप्लाई पे जो है यहाँ पे इस तरह से बता रहा है। तो अब ये देखेंगे कि इस पे नेगेटिव पॉजिटिव पे जो है कैपेसिटर भी लगा रहता है, तो इसे भी चेक करेंगे यहाँ पे, तो ये भी शॉर्ट आ रहा है, तो एक बार कैपेसिटर चेक कर लिए, इसलिए कि अक्सर कैपेसिटर वोल्टेज से ज़्यादा दिक्कत देता है, फट जाता है। तो यहाँ पे इसको प्लेट जो लगा हुआ है ये अब रख वाला, इसको ओपन करके देख लेंगे, यहाँ पे जो है ये 3 पेच लगा हुआ था, यहाँ पे पेच हटा दिए, और ये ऊपर जो है अब्रक पेपर लगा हुआ है, तो यहाँ पे ये दिख रहा है, तो उसके बाद में जो है यहाँ पे कैपेसिटर ही लग रहा है, ब्लास्ट हुआ है। अब जो है ये हीट सिंक खोलना पड़ेगा, तभी पहले IGBT का पेज खोल देंगे सबसे पहले,
तो यहाँ पे एक टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ है, इसको खोल देंगे और यहाँ पे आईजीबीटी का पेज खोलने के बाद जो है उसके बाद में देखते हैं इसमें कैपेसिटर किस तरह से ब्लास्ट हुआ है और कितना कैपेसिटर लगा हुआ है इसके अंदर। और उसके बाद में कैपेसिटर लगाने के बाद देखते हैं कि ये बिल्डिंग मशीन ऑन होता है कि नहीं ऑन होता है। फिलहाल डाइवोर्ट आईजीबीटी और आउटपुट डाइवोर्ट और ब्रिज डाइवोर्ट इतना चेक कर लिए हैं और उसके बाद में जो बचता है कैपेसिटर लगाने के बाद ही कन्फर्म हो पाएगा इसमें और दिक्कत है कि नहीं है। तो इतना प्रोसेस कर लिए हैं। तो अब जो यहाँ का पेज खुल गया है और अब यहाँ पे ये यहाँ पे तीन कैपेसिटर लगा हुआ, इसमें जो है दो ठीक दिख रहा है, एक ही ब्लास्ट हुआ है। तो इसे जो है निकाल लेंगे, एक कैपेसिटर निकाल लेंगे पहले उसके। तो यहाँ पे रीसोल्डिंग पंप से उसको रीसोल्ड कर लिए हैं और ये यहाँ पे जो ब्लास्ट हुआ है ये यहाँ पे ये दग गया है, ब्लास्ट हो गया है। तो अब इसे जो है यहाँ पे देखेंगे पहले कि ये जो है ये लगा हुआ है 820 UF 450। तो देखेंगे हमारे पास ये है कि नहीं है, इसी हिसाब से लगाएंगे। तो यहाँ पे कैपेसिटर मिल गया है, ये है 820 और हमारे पास है 850। तो ये चल जाएगा लगभग, कोई दिक्कत नहीं। तो कैपेसिटर हम लगाने के बाद जो है चेक कर लेंगे। और यहाँ पे यहाँ देखें पीसीबी पे, तो जितना भी इसमें सामान लगा हुआ है कंपोनेंट यहाँ पे लिखा भी हुआ है सर्किट में 40T पे सर। तो ज़्यादातर इसमें सिस्टम पे सब लिखा हुआ है, कौन सा पार्ट्स कहाँ पे लगा हुआ है उसी हिसाब से इसके नीचे लिखा हुआ है ज़्यादातर। तो कैपेसिटर लगाने के बाद देख ले रहे हैं कि और इसमें दिक्कत तो कुछ नहीं है, उसके बाद में देखते हैं। यहाँ पे सोल्डिंग कर देंगे, तो सोल्डिंग हो गया। अब इसके बाद में जो है
फिनिशिंग जो है लगा देंगे। यहाँ का पेज टाइट कर दिए हैं और अब यहाँ पे जो लगा हुआ है IGBT पे उसको भी लगा दे रहे हैं। और ये जो है सेंसर है वो भी लगा देंगे। ये हो गया, अब इसे जो है सप्लाई देके देखेंगे एक बार। उसके बाद में फिर इसको एयर ब्लोअर से जो है इसको सफ़ा कर देंगे। पहले यहाँ पे चेक कर लें और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो यहाँ पे ये लगा दिए हैं सीरीज बल्ब को चेक करने के लिए। उसके बाद में जो है सीरीज बल्ब में लगाएंगे तो ये बल्ब ग्लू हुआ, उसके बाद में थोड़ा सा उसके बाद में कम हो गया और यहाँ पे पावर LED ऑन हो गई। और यहाँ पे अब यहाँ पे DC पे कर लिए हैं मल्टीमीटर 200 के रेंज में। और उसके बाद में यहाँ पर वोल्टेज भी चेक कर लेंगे आउटपुट पे। तो यहाँ पर 65 के आसपास 66.89 यानी 66.8 या 7 के मतलब ऐसे ही हो रहा है। तो यहाँ पे वोल्टेज भी आ गया और यहाँ पे स्पार्क करके भी देख ले रहे हैं। वोल्टेज आ गया तो स्पार्क होगा ही, तो यहाँ पर जो है हल्का सा स्पार्किंग करके चेक कर लेंगे। यहाँ पे स्पार्किंग हो रहा है तो ये वेल्डिंग मशीन ओके हो गया। इसमें दिक्कत था जो यहाँ पे इसको से हटा दे रहे हैं। अब जाके पावर सप्लाई ऑन ऑफ हो गया और इसे एक बार साफ़ कर दे रहे हैं। और इसमें जो बताया हो उसको ध्यान रखना, यहाँ पे 25 25 25 पे जो है 40T 65 लगा हुआ है। अब 40T 60 75T 60 आप इस ग्रुप का लगा सकते हैं, टी ग्रुप का ही। इसमें इस ड्राइवर पे जो लगा हुआ है एन ग्रुप का नहीं चलेगा यार, ये ध्यान रखिए। तो अब इसे जो है उधर साफ़ करके उसको बाद में कैबिनेट इसका ये हो गया अब ओके।